हेलो बच्चों, आज हम अध्याय कब, कहां और कैसे के भाग एक पे चर्चा करेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे वो है, अतीत की कहानी है इतिहास, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान, लोग कहां रहते थे और देश के नाम। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अतीत की कहानी है इतिहास से। जैसा कि हम जानते हैं बच्चों, आज दुनिया बहुत तरक्की कर ली है, खूबसूरत सड़कें बन गई हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बन गई हैं, यहाँ तक कि आधुनिक समाज का भी निर्माण हो गया है। पर आप क्या जानते हो, ये जो विकास है ये रातों रात या एक दिन में नहीं हुआ है। इंसान बैलगाड़ी से हवाई जहाज तक जो है, इस विकास की जो यात्रा है वो एक दिन में पूरा नहीं किया है। अर्थात यहां तक पहुंचने के लिए उसको हजारों साल लग गए हैं। तो बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि किसी एक दिन की घटना की जानकारी तो हमें समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविजन, इन सब के सहारे मिल जाती है, पर बहुत पहले क्या हुआ था उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? जी हाँ, उसकी जानकारी हमें इतिहास से मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपना पहला टॉपिक, अतीत की कहानी है इतिहास। बच्चों, जब हम बात करेंगे कि जो है इतिहास है या आखिर है क्या, तो बच्चों इतिहास जिसका अर्थ है ऐसा निश्चित रूप से हुआ होगा। इतिहास जो है, अगर हम इसका अर्थ जानने की कोशिश करें तो इसका अर्थ है बीते दिनों में मानव की कहानी। बच्चों, इतिहास को तोड़ के देखिए, इति प्लस ह प्लस आस, इति मतलब जो हो चुका है, तो इन सबको मिलकर बनता है इतिहास। तो बच्चों, इतिहास जो है वो हमारे पूर्वजों के जीवन के बारे में जानकारी देता है, उनका जीवन कैसा था, उनको किन परेशानियों का सामना करना पड़ता था, वो उसका हल कैसे निकालते थे, अतीत में लोग कहाँ रहते थे, वो क्या खाते थे, उनका पहनावा कैसा था, उनकी घर की बनावट कैसी थी। तो ये सभी सवालों का जवाब हमें कहाँ से मिलता है? जी हाँ, इतिहास के अध्ययन से। बच्चों, इतिहास के जो जानकार होते हैं, जिनको इतिहास की पूरी नॉलेज होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? इतिहासकार। बच्चों, इतिहास में हम समाज के उच्च और निचले दोनों वर्गों के लोगों के कार्य और रुचियों को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय शासक के अतिरिक्त व्यापारी, कारीगर, किसान, पुरोहित, मजदूर, ये सभी जो थे वो समाज के महत्वपूर्ण अंग थे, इसलिए इन सभी के बारे में हमें जानना पड़ता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान। तो बच्चों, इतिहास का ज्ञान जो है वो हमारे वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल में आता है, क्योंकि हम इतिहास के जो सबक है उनको लेकर ही हम अपने वर्तमान को बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अपने वर्तमान के अध्ययन अतीत के ज्ञान के बिना नहीं हो सकता, अतः वर्तमान के अध्ययन के लिए भी इतिहास आवश्यक है। इसके अलावा बच्चों, इतिहास जो है वो उस समय जो महान लोग थे उनकी जीवनी और उनकी शिक्षाओं के बारे में बताता है, जिससे पढ़कर हम उनसे प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इतिहास के अध्ययन से ही हम दुनिया के अन्य देशों और उसकी संस्कृति को जान सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे लोग कहाँ रहते थे। जैसा कि आप जानते हो, भारत एक विशिष्ट भौगोलिक वाला देश है, क्योंकि इसके उत्तर में जो है हिमालय पर्वत है,
जो ऊंची दीवार के समान इसकी रक्षा करता है। बच्चों, इसके पूर्व और पश्चिम और दक्षिण में विशाल सागर हैं। भारत में लाखों वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रहते थे, जो आप मानचित्र में नर्मदा नदी को देख सकते हैं। उस समय लोग जो थे अपने भोजन के लिए जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का संग्रह किया करते थे। चलिए हम अपनी चर्चा लोग कहाँ रहते थे उसको जारी रखते हैं। बच्चों, उत्तर पश्चिम में जो है वो सुलेमान और किरथर पहाड़ियां हैं, जो आप मानचित्र पे देख सकते हैं। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पूर्व गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया गया था। इसके अलावा वहां के उस समय के लोग भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाया करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा लोग कहाँ रहते थे उसको जारी रखते हैं। बच्चों, उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में बिंद पहाड़ियां ऐसे क्षेत्र थे जहां कृषि का विकास हुआ, और कहे तो जहां सबसे पहले चावल उपजाया गया। बच्चों, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे, अतः उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा लोग कहाँ रहते थे उस पे जारी रहते हैं। बच्चों, लोग हमेशा उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों और समुद्रों के कारण यात्रा जो था वो जोखिम भरा हुआ करता था। फिर भी यात्रा उनके लिए असंभव नहीं था। जो पहाड़ी दर्रे थे वो भी जो है यात्रा के संपर्क के रास्ते थे, और सदियों तक लोग इसी मार्ग से आते जाते रहे। अतः ये जो मार्ग है संस्कृति के आदान प्रदान का भी मार्ग बना। लोग कभी काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे इसी मार्ग से जाया करते थे। यहां तक कि सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पे विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से इसी मार्ग से यात्रा करती थी। और तो और बच्चों, सेनाओं के अलावा व्यापारी और धार्मिक ग्रुप भी इसी मार्ग से यात्रा करते थे। वो इस मार्ग से एक गांव से दूसरे गांव तक जाया करते थे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे देश के नाम पर। बच्चों, हम अपने देश को विभिन्न नाम से जानते हैं, जैसे इंडिया तथा भारत। लेकिन आपको क्या पता है ये नाम कहां से मिला? बच्चों, इंडिया शब्द जो है इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। ईरानियों और यूरानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग जो है सबसे पहले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था, जिसका उल्लेख जो है आपको ऋग्वेद में मिलता है। बाद में इसका इस्तेमाल देश के लिए होने लगा। बच्चों, अरबों ने इस धरती को अल हिंद और तुर्कों ने हिंदुस्तान कह के पुकारा। इसके अलावा आपको भारतीय उपमहाद्वीप के बारे में भी जानना चाहिए, जैसे कि भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में सातवां
और जनसंख्या के दृष्टिकोण से दूसरा सबसे बड़ा देश है। दक्षिण एशिया को विशालता तथा एशिया महाद्वीप के शेष भाग से समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों के द्वारा पृथक होने के कारण उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। चूंकि इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश भारत है, अतः इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। बच्चों, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इसमें वर्तमान का जो झारखंड है उसके बारे में है। जो झारखंड का नाम भी जो है प्राचीन काल से परिवर्तित होते रहा है। विभिन्न ग्रंथों ने झारखंड का उल्लेख मिलता है। इस क्षेत्र का उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में भी मिलता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो इस वीडियो में हमने अतीत की कहानी है इतिहास, क्यों आवश्यक है इतिहास का ज्ञान, लोग कहाँ रहते थे और देश के नाम के बारे में जानकारी ली। इसका रेफरेंस है भारत का इतिहास कक्षा 6 का पाठ्य पुस्तक। अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे काल निर्धारण, अतीत की जानकारी, प्राचीन काल में झारखंड और इतिहास और तिथियों पे। तब तक के लिए धन्यवाद।